देवास के नेमावर में भूतों का मेला लगेगा। 7 और 8 अप्रैल को भूतड़ी अमावस्या के महापर्व पर दूर दराज से करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु नेमावर के नर्मदा तट पहुंचेंगे। प्रशासन ने यहां लगने वाले मेले की तैयारी पूरी कर ली है। नेमावर में भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा किनारे बड़ा मेला लगता है, जहां लोग धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर प्रेत बाधाओं को दूर करते हैं। इस बार यहां तकरीबन 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए SDM प्रिया चंद्रावत की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेले की दृष्टि से नर्मदा घाट पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिस पर तैनात कर्मचारी 24 घंटे व्यवस्थाएं देंगे। नेमावर घाट में स्नान होते हैं, उसके संबंध में आज विभागीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस, राजस्व, चिकित्सा विभाग और मंदिर समिति के सदस्य और साथ ही हमारी नगर परिषद खातेगांव और नेमावर के CMO की उपस्थिति में आज ये बैठक आयोजित की गई है। चूँकि हम जानते हैं कि अमावस्या के दिन कई श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, तो व्यवस्था कराई जाना प्रशासन का काम है। तो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकाश, साउंड व्यवस्था, पुलिस सिक्योरिटी और स्नान के लिए घाटों की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था और साफ सफाई, इन सब के संबंध में आज बैठक की गई थी और संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। आज और कल में हम लोग व्यवस्था स्टार्ट करवा देंगे। 7 और 8 को ये हमारा जो पर्व होता है वो आयोजित रहेगा, तो इसलिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।